वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 का द क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका द भाग है। इससे पहले हमने आ बा सा को डिस्कस करी किया है, आज हम बात करेंगे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के बारे में। ठीक है, ये जो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल होता है आपका, ये क्या होता है, इस पर हमें क्या करना है, टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, क्या करना है, टिप्पणी लिखनी है। ये है क्या आपका बहुलक है, क्या है आपका बहुलक है या पॉलीमर है, तो ये किस तरह से बनता है, यूज क्या है इसके। ठीक है, इसको हमको ये बताना है, क्योंकि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन उसमें आपसे चार पांच पूछ लिए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यह है आपका एक्राइल नाइट्राइल, क्या है, एक्राइल नाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन द्वारा प्राप्त होता है। क्या, जो आपका पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, ये किससे मिलता है, आपका एक्राइल नाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन, या उसका क्या कर दो, बहुलीकरण कर दो, तब आपको जाकर क्या मिलता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल मिलता है। ठीक है, इससे एक्राइलिक फाइबर बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है, एक्राइलिक फाइबर बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका ट्रांजिशन कैसा होता है, ताप अधिक होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसमें। हाइड्रोजन बॉन्ड आपका किस किसके बीच में बनता है, कौन सा आपका एटम हो तब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और फ्लोरिन हो गया। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरिन। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरिन, इन तीनों के साथ में आपका जो है हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को कुछ इस तरह से दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, नाइट्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बना लेगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका जो ताप है वो कैसा होता है, कुछ अधिक होता है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये है आपका एक्राइलिक नाइट्राइल, क्या है, एक्राइलिक नाइट्राइल है। ठीक है, एक्राइलिक नाइट्राइल को हमने क्या कर दिया, इसका क्या कर दिया, फ्री रेडिकल के आधार पर पॉलीमराइजेशन कर दिया। फ्री रेडिकल मतलब इसमें क्या होंगे, पहले फ्री रेडिकल बनेंगे, फिर वो फ्री रेडिकल क्या करेंगे, अन्य अदर फ्री रेडिकल के साथ में रिएक्ट करेंगे। अब ये फ्री रेडिकल किस तरह से बनेंगे, मान लो ये आपका लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिख दूं मैं, इसको उठा, ओ क्या होगा, ठीक लिख रहा ना, ये जो है आपका, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, क्या है आपका, CN। अब इसमें जो फ्री रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल कब बनता है, जब डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड का क्या होता है, होमोलिटिक फ्यूजन होता है। क्या होता है, होमोलिटिक फ्यूजन होता है। मान लो ये जो डबल बॉन्ड है, इसका एक बॉन्ड जब समान यानी कि दो बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपका दूसरे कार्बन पर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका दूसरे कार्बन पे चला जाएगा। कोई बॉन्ड आपका दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, इन दो इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, दोनों स्पीसीज पे या दोनों पड़ोस वाले एटम्स को बराबर बराबर भागों में बांट देना। तो ये कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा आपका कहाँ आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। अब ये बन गए आपके फ्री रेडिकल, क्या बन गए, एन CH2 पे आ गया इलेक्ट्रॉन, और एक आपका इधर वाले CH2 पे आ गया। ठीक है, अब ये बन गए आपके फ्री रेडिकल, क्या बन गए, फ्री रेडिकल। अब ये क्या होगा, इससे एन मॉलिक्यूल भी है ना, इससे हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, CN भी लगा होगा। तो क्या हो जाएगा आपका CH2 इसकी रेडिकल रहेगा, सिंगल बॉन्ड क्या है आपका, CN है। ठीक है, ये कंडीशन होगी। अब इसका जो एक रेडिकल है, ये इस वाले कार्बन के एक रेडिकल के साथ में मिलकर क्या बना लेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड कब बनेगा, मान लो पहला कार्बन आपका ये, दूसरा कार्बन है ये, तीसरा कार्बन ये, कौन सा आपका, चौथा। तो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस पे क्या है आपका, इससे आपका CN लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, CN लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ CH है, CH2 नहीं है, गलत हो जाएगा, CH है। ठीक है,
ये अब ये दूसरा कार्बन आ गया आपका, अब ये तीसरा कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अगला क्या है, ये सी एच है आपका, ठीक है, क्या है सी एच, और इस पे क्या रहेगा आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पर रहेगा, इसी से क्या लगा है आपका, ओ सॉरी लोन पर नहीं, आपका क्या रहेगा फ्री रेडिकल रहेगा, इसी से क्या लगा हुआ आपका सी एन, ठीक है। और ए होती है, लेकिन कैसे होते हैं वो, स्ट्रेंथ होते हैं, ठीक है, शक्तिशाली होते हैं, इतने जल्दी टूटते नहीं है। कह रहा ऊन के समान धागे बनाने में प्रयोग किया जाता है कौन, पॉलीएक्रिलोनाइट्रॉल, इससे ऊन के समान धागे बनाए जाते हैं, इस पर पानी की कोई क्रिया नहीं होती, जिनका पानी जिन पर पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पानी के कैसे होते हैं, विरोधी होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, पानी का विरोध करते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका पॉलीएक्रिलोनाइट्रॉल की बात, यूज क्या है, फॉर्मेशन कैसे हुआ है इसका, बस एक ही स्टेप में आपका बन गया पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, कंडीशन क्या होगी आपकी, फ्री रेडिकल, ठीक है, कोई आपका क्या होगा एक्राइलिक एक्राइल नाइट्राइल होगा, और इसका क्या कर देना, इसी का पॉलीमराइजेशन, तो एन मॉलिक्यूल ले लो इसके, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक ही बार में ले लो, और इससे क्या बना दो, इससे बना दो फ्री रेडिकल, ठीक है, और इसी के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में फ्री रेडिकल बना बना के एक दूसरे से मिलते जाएंगे, और बन क्या जाएगा आपका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर द वीडियो।